सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्मोक इफेक्ट नेम रील्स एडिटिंग, जो कि इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में है। सो गाइस, देख सकते हो कुछ इस टाइप का स्मोक का इफेक्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों का नेम जो आने लगेगा, और ये फ्लावर वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो वो भी आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये एडिटिंग हम लोग करने हैं VN एडिटर में। आप लोगों की नेम को आप लोग कैसे लिख सकते हो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। आप लोगों को नेम को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग पिक्सेल लैब को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में इजीली मिल जाता है। बस इसमें आप लोगों को नेम वगैरह को स्टाइलिश में लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग पिक्सेल लैब को ओपन कर लेते हैं। सो सबसे पहले न्यू टेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, तो यहाँ से आप लोगों को न्यू टेक्स्ट मिल जाता है और कलर वगैरह भी दे सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट में चलते हैं, न्यू टेक्स्ट में। सो यहाँ पे आप लोगों का नेम को लिख लेते हैं। सो जो भी आप लोगों का नेम आप लोगों लिख दीजिए। सो जैसे कि मेरा नेम ये है, मैं लिख लेता हूँ। सो यहाँ से डन करेंगे। फिर गाइस यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहाँ से आप लोगों को एक मिल जाता है जो कि डबल ए यानी कि फॉन्ट वगैरह, उसे एडजस्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके कलर में जाकर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना होगा। सो जैसे ही ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों का बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ए भी फॉन्ट पे आप लोगों को जाना है, तो देख सकते हो फॉन्ट पे जाकर आप लोगों को कोई सा भी फॉन्ट, स्टाइलिश फॉन्ट सिलेक्ट कर देना है। अगर आप लोग ये वाला स्टाइलिश फॉन्ट सिलेक्ट करना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को स्टाइलिश फॉन्ट पैक दे दूंगा, जो कि बहुत सारे फॉन्ट हो गए, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे सर्कल वाला आइकन में क्लिक करके इंपोर्ट पे जाना है। तो यहाँ से आप लोग फ्लावर को सिलेक्ट कर देना होगा। देख सकते हो तो फ्लावर यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फ्लावर का सिलेक्ट करके ऐड कर लीजिएगा। सो इस फ्लावर को हम लोग फास्ट में रखेंगे, इसे बड़ा वाला फ्लावर को, तो देख सकते हो। फिर और एक फ्लावर को हम लोग सिलेक्ट करके लेंगे जिसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर में है, तो हम लोग इसे रिमूव करेंगे ब्लैक कलर को। सो इसको हम लोग पीछे ले जाते हैं, देख सकते हो तो ये पीछे चला गया है और टेक्स्ट वगैरह ऊपर में आ जाएंगे। तो उसके बाद गाइज आप लोगों क्या करना है, इंपोर्ट पे फिर से क्लिक करना है और ये फ्लावर को लेकर आ जाना है, यहाँ से डन करना है। तो ये फ्लावर को आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं जैसे कि एडजस्ट करके, और इसके लेयर को क्लिक करके बिल्कुल ही नीचे लेकर चले जाना है, जैसे कि ये बैकग्राउंड में चले जाए। तो देख सकते हो इसको आप लोग परफेक्टली एडजस्ट करके रख सकते हो किसी भी पोजीशन में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे एडजस्ट करके रख रहा हूँ। ओके, तो जितने भी अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ से एडिटिंग करोगे, आप लोगों की टेक्स्ट बहुत ही ऑसम लगेगी। तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का, ये जो पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक कलर सा है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे ताकि परफेक्टली हमारे की फ्लावर वगैरह शो हो पाए। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सो यहाँ से आप लोगों को इरेज कलर में जाना है, इनेबल कर देना होगा। तो यहाँ से पिकर को सिलेक्ट करना है, इस पिकर को आप लोगों को ब्लैक कलर में सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ से ओके करना है, तो ये ब्लैक कलर गायब हो जाएगा। फिर ये वाला बड़ा फ्लावर पे क्लिक करना है, इरेज कलर में जाना है, इनेबल करना है, ये पिकर को क्लिक करना है, ये पिकर को, इस पिकर को आप लोगों को ब्लैक कलर में सिलेक्ट कर देना है, तो ब्लैक कलर जो बैकग्राउंड में है वो गायब हो जाएगा। तो देखिए सकते हो हमारे फ्लावर वगैरह की ब्लैक कलर गायब हो चुका है, बैकग्राउंड तो ब्लैक था ही, और ये परफेक्टली यहाँ उधर उधर किसी भी पोजीशन में लोगे बस फ्लावर सिलेक्ट होगा और बैकग्राउंड जो है परफेक्टली इरेज हो चुका है। तो आप लोग कोई भी पोजीशन में रखोगे ये फ्लावर कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगा। ओके, अच्छी तरह से बैकग्राउंड में रहेगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग रख लेते हैं। फिर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके फिर से अच्छे से एडजस्ट करना, और यहाँ से सेव का आइकन भी मिलता है, उस सेव आइकन पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से सेव आइकन में हम लोग क्लिक करते हैं ऊपर में, तो उस सेव आइकन में क्लिक करके सेव आज इमेज में क्लिक करेंगे। ओके, तो सेव में क्लिक करके सेव आज इमेज में क्लिक करेंगे, फिर डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे वेरी हाई करेंगे तो सेव टू गैलरी करेंगे। ओके, तो जैसे ही हो जाता है तो आप लोगों को VN वीडियो एडिटर को ओपन कर देना होगा। तो आप लोगों के पास VN वीडियो एडिटर अगर नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो VN वीडियो एडिटर को ओपन करेंगे, फिर यहाँ से प्लस आइकन में गाइस क्लिक करेंगे, तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को कोई सा भी एक वीडियो में सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे मटेरियल मिल सके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इस टाइप का वीडियो सिलेक्ट किया हूँ, तो ये ब्लैक फेस को डिलीट कर लूँगा और प्लस आइकन में क्लिक करूँगा।
मटेरियल पे गाइस चलेंगे। मटेरियल से ये ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ से ये वाला वीडियो को हम लोग डिलीट कर लेंगे और हमें पूरा का पूरा मटेरियल देख सकते हो तो ब्लैक कलर से मिल चुका है, ब्लैक बैकग्राउंड। तो यहाँ से ओरिजिनल में क्लिक करके 9:16 सिलेक्ट कर देना होगा। तो देख सकते हो हमारी 9:16 हो चुका है स्क्रीन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टैप एंड ऐड स्टिकर में क्लिक करेंगे, फोटो एंड वीडियो में जाएंगे, जो फोटो आप लोगों ने सिलेक्ट कर रखा था, एडिट कर रखा था, उसको लेकर आ जाना है। तो ये देख सकते हो हमारी फ़ोटो वगैरह आ चुके हैं। सो इसके ऊपर हमें जो स्मोक इफेक्ट था उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फोटो को मास्क पे चलते हैं, मिरर पे चलते हैं। तो ये मिरर आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको हम लोग इसे रोटेट करेंगे और हल्का सा स्क्रॉल कर लेंगे और इसे फास्ट में रखेंगे। तो यहीं से आप लोग ट्रिक शुरू होता है गाइस, की फ्रेम पे क्लिक करना है, यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लेना है यहाँ तक, फिर इस वाले फ्रेम को यहाँ से इतना ले आना है, फिर पूरा लास्ट तक ले जाना है। ओके, तो ये देख सकते हो आप लोग वीडियो को इस टाइप का बन चुका होगा। तो फिर गाइस यहाँ से आप लोग को बड़ा भी कर सकते हो, तो इतना कर लेना है। तो यहाँ से प्ले कीजिएगा, कुछ इस टाइप से आप लोगों के इफेक्ट आने लगेगा। जैसे कि इस टाइप से इफेक्ट आ जाए तो उसके बाद आप लोगों को स्मोक इफेक्ट को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ से स्मोक इफेक्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ से टैप एंड ऐड स्टिकर पर क्लिक करते हैं, फोटो एंड वीडियो में चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप लोगों को स्मोक वीडियो को ऐड कर लेना है। तो ये देख सकते हो स्मोक वीडियो है, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही ऐड हो जाता है तो इस वीडियो को आप लोगों को ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन कर लेना है, तो देख सकते हो स्क्रीन हो चुका है। तो यहाँ से इस टाइप से आप लोगों का वीडियो चलने लगेगा। तो इसे आप लोग बड़ा कर लेना है जूम करके और परफेक्टली एडजस्ट करना है, जैसे कि आप लोग जो टेक्स्ट वगैरह चल रहे हैं वहाँ तक आप लोगों को शो हो जाए। सो इस टाइप से देख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे ताकि हमारे जो लाइट इफेक्ट है, जो स्मोक इफेक्ट है, वो पहले आए, उसके बाद आप लोग टेक्स्ट आए। तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों का वीडियो शो बन चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ तक, जहाँ तक हमारी लास्ट फॉन्ट है, वहीं तो हम लोग मटेरियल को स्प्लिट करके डिलीट कर लेंगे। ओके, तो फिर से हम लोग उसी वाली फॉन्ट को लेके आ जाते हैं, तो यहाँ तक और इतना रख लेते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो पूरा का पूरा इतना रहना चाहिए। तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे यहाँ, तो ये ब्लॉक को डिलीट कर लेंगे, ब्लॉक फेस को। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप के आप लोग का फॉन्ट आने लग गया। जितना अच्छे से एडजस्ट कर रखेगा अपने मुताबिक, आप लोगों का फॉन्ट बहुत ही ऑसम लगेगा। ओके, तो उसके बाद आप लोग म्यूजिक पे जा सकते हो, म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो अगर आपको कोई पसंदीदा म्यूजिक है। तो ये म्यूजिक जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस सॉन्ग को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। तो इस टाइप से, तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट एल्बम कीजिएगा, फिर न्यू पे क्लिक कीजिए, फिर यूज़ कीजिएगा, फिर यहाँ से डन कीजिएगा। तो ये देख सकते हो वॉल्यूम हमें ऑफ कर लेंगे, तो ये देख सकते हो कुछ म्यूजिक के साथ ऐसा आप लोगों का ऑसम लगेगा। तो वीडियो गाइस आप लोगों को लाइक कीजिएगा, दूसरे साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे 12:00 AM।